खुशी का मौका हो तो हर घर में कुछ मीठा लाजमी बनता है और 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हो तो केक तो मस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे स्पेशल बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस केक बनाना बताऊंगी। आज की इस वीडियो में इंडिपेंडेंस डे के लिए मिरर ग्लेस केक बना के रेडी करेंगे। ये केक इतना ईजी है की अगर कोई फर्स्ट टाइम भी केक बनाएगा तो ये केक उससे बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो चलिए स्पेशल ग्रीन मिरर ग्लेस केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने से पहले सबसे पहले ड्राई इंग्रीडियंट्स की मिक्सिंग करके एक साइड पर रखेंगे। एक बोल पर स्ट्रेनर रखकर इसमें 1 कप + 1/4 कप मैदा शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर इसमें कम ही ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा की जो क्वांटिटी होगी वो इसमें ज़्यादा होगी। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। 1 पिंच नमक ऐड करेंगे। कोको पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। तमाम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को छान कर अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रखेंगे। केक के लिए ड्राई इन्ग्रीडियंट्स की मिक्सिंग कर ली है मैंने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में केक में ऐड करने के लिए बटर मिल्क बना के रेडी करेंगे। बटर मिल्क बनाने के लिए आधा कप दूध लिया है मैंने यहाँ पर। इसमें 1 टीस्पून सिरका ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पे रखेंगे। केक बनाने के लिए केक के मोल्ड को भी पहले रेडी करके रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 6 इंचेस के केक के मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। केक के मोल्ड को ब्रश से ऑयल या फिर बटर से ग्रीस करेंगे। आपके पास केक का मोल्ड ना हो तो आप घर में 6 से 7 इंचेस की जो भी पतीली आपके पास हो, जिसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो, आप वो ले सकते हैं। मोल्ड के साइज़ का बटर पेपर काट के बॉटम में लगा लेंगे। बटर पेपर ना हो तो आप सिंपल ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट कर दें। केक बेक करने के लिए मोल्ड रेडी हो चुका है, इसको भी साइड पर रखते हैं। अब केक बनाने के लिए बोल में 2 अंडे ऐड करेंगे, साथ ही इसमें 3/4 कप चीनी ऐड करेंगे। नॉर्मल दानेदार चीनी ली है मैंने यहाँ पर। अंडे और चीनी को 7 से 8 मिनट तक हैंड बीटर से फोमी होने तक हमने बीट करना है। 7 से 8 मिनट के बाद अंडे इस तरह से फोमी हो जाएंगे, तो इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 कप ऑयल। ऑयल की जगह आप इसमें मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं 1/2 कप। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अब बीटर चलाकर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशल ग्रीन केक बना रहे हैं, तो ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे इसमें। बहुत सारा कलर इसमें एक साथ ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा कलर इसमें ऐड करते जाएंगे। केक के बैटर को हमने पहले पैरेट ग्रीन कलर का करना है। बैटर का जो कलर है वो पैरेट ग्रीन कलर का हो चुका है, जो कि हमें चाहिए। अब इसका फ्लैग का कलर कैसे बनेगा तो इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ। इसका मैजिक देखिएगा अभी आप। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करके रखे थे वो 2 हिस्सों में इसमें ऐड करेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हैंड वेस्ट या फिर स्पैचुला से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से हैंड वेस्ट को नीचे से ले जाकर ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से लाना है और इसको मिक्स करते जाना है। इस स्टेप को करने में आपने जल्दी नहीं करनी और ना ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्पीड से बैटर में मिक्स करना है, वरना जो फोम हमने बनाया है वो बैठ जाएगा और केक आपका बिल्कुल भी स्पंजी नहीं बनेगा। दूसरी बात ये कि आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बस लाइट सॉफ्ट हैंड से आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बैटर में इतने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कहीं पर अंडे और कहीं पर मैदा नज़र ना आए। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 2 हिस्सों में ऐड करके मिक्स कर लिया है मैंने। अब सेम स्टेप को फॉलो करते हुए 2 पार्ट्स में ही बटर मिल्क जो बना के रेडी किया था वो ऐड करेंगे और अगेन इसको लाइट हैंड से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप बैटर पर गौर करें तो केक का जो बैटर का कलर था वो पैरेट ग्रीन से फ्लैग के कलर का हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है, जो कलर हमें चाहिए था। अब वो केक का कलर रेडी हो चुका है। बट इस स्टेज पर अगर आपको फिर भी लगे कि आपका फ्लैग का कलर नहीं बन रहा तो आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स कलर के और भी ऐड कर सकते हैं। 2 हिस्सों में बटर मिल्क ऐड करके सॉफ्ट हैंड से इसकी भी मिक्सिंग कर ली है मैंने। देखिए कितना सिल्की स्मूथ केक का बैटर रेडी हुआ है और जो फोम हमने केक के लिए बनाया था वो बिल्कुल वैसा का वैसा है, सेम क्वांटिटी है और सेम टेक्सचर है। बैटर को ग्रीस किए हुए मोल्ड में ऐड करेंगे और मोल्ड को 10 से 12 बार इस तरह से टैप करेंगे ताकि केक में मौजूद सारे एयर बबल्स निकल जाएं। केक को बेक करने के लिए ओवन या फिर पतीली को पहले 5 से 7 मिनट तक प्री हीट कर लें। केक को प्री हीटेड ओवन में 180 पर 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे और पतीले में लो मीडियम फ्लेम पर 40 से 45 मिनट्स में केक अच्छे से बेक हो जाएगा। मैंने ये केक विदाउट ओवन एक पतीले में बेक किया है। अच्छा, केक के सेंटर में जो आपको होल नज़र आ रहा है तो केक को मैंने 35 मिनट्स के बाद स्कीवर से चेक कर लिया था। 35 मिनट्स के बाद आप केक के सेंटर में स्कीवर इंसर्ट करके चेक कर लें। अगर आपकी स्कीवर क्लियर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका केक बेक हो चुका है। अगर आपके स्कीवर पर केक का बैटर लगा हुआ हो तो आप इसको 5 से 10 मिनट तक और बेक होने दें। तो देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह हमारा केक बेक हुआ है। केक के ऊपर से ये जो डोम आपको खाली खाली नज़र आ रहा है तो केक मेरा माशाल्लाह इतना अच्छा सा बेक हुआ था पतीले में कि इसका डोम लिड पर ही स्टिक हो गया है। केक को 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे इसी तरह से ठंडा होने देंगे। तब तक केक की फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम बीट कर लेते हैं।
बोल में एक कप व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। 5 से 7 मिनट तक स्टेप पीक्स बनने तक क्रीम को हमने बीट करना है। क्रीम को बीट करने के लिए स्पीड को पहले स्लो रखेंगे, इसके बाद 3 से 4 मिनट के बाद स्पीड को हाई रखेंगे। क्रीम को बीट करने के लिए आप हैंड व्हिस्क का यूज़ भी कर सकते हैं। 7 मिनट के बाद देखें यहाँ पर क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। अब थोड़ी सी क्रीम को मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग में ऐड कर रही हूँ। अब क्रीम को जब तक हमने यूज़ नहीं करना, क्रीम को हम फ्रीज़र में रख देते हैं। इतनी देर में केक भी ठंडा हो चुका है। केक को साइडों से लूज़ करके केक को मोल्ड से निकाल लेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बेक हुआ है। केक के बटर पेपर को हटा लेंगे। अब सबसे पहले केक का डोम निकाल कर केक को ऊपर से लेवल करेंगे। इस डोम को आप वेस्ट ना करें, इस डोम को आप ऐसे भी खा सकते हैं और इसके आप क्रम्स बनाकर वापस केक के ऊपर भी डेकोरेट कर सकते हैं। मेरा केक इतना अच्छा सा बेक हुआ है तो केक को मैं यहाँ पर 3 इक्वल लेयर्स में डिवाइड करूँगी। आप केक की 2 लेयर्स भी बना सकते हैं। केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर केक का एक स्लाइस रखेंगे ताकि केक हमारा बोर्ड पर ही स्टिक रहे। केक को मॉइस्ट करने के लिए शुगर सिरप से सोक करेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए 1/2 कप पानी में मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। केक को अच्छी तरह से शुगर सिरप से सोक करेंगे ताकि हमारा केक अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट रहे। जितनी अच्छी तरह से आप केक को सोक करेंगे इतना ही केक आपका अंदर से मॉइस्ट बनेगा। केक को अच्छी तरह से सोक करने के बाद क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। पाइपिंग बैग में क्रीम ऐड करके लगाने से क्रीम इजीली और इवनली लग जाती है। पाइपिंग बैग से क्रीम लगाने के बाद स्पैचुला या फिर पैलेट नाइफ से आप क्रीम को स्मूथ कर लें। पैलेट नाइफ या फिर स्पैचुला ना हो तो आप क्रीम को लेवल करने के लिए किसी स्केल या फिर नाइफ का यूज़ कर सकते हैं। क्रीम को स्मूथ करने के बाद इस पर फ्रूट कॉकटेल के पीसेज ऐड करेंगे। कुछ भी आप इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट चिप्स, गनाश या फिर इतने अच्छे फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं आजकल, आप वो केक के सेंटर में ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ ना भी ऐड करना चाहें तो सिर्फ सेंटर में क्रीम ही लगा लें आप। और हाँ, केक की हर लेयर लगाने के बाद आपने सोक लाजमी करना है केक को। इसी तरह से दूसरी और फिर तीसरी लेयर लगाने के बाद केक को क्रीम से कवर करेंगे। क्रीम भी आप केक में अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हैं, जितनी कम या ज़्यादा क्रीम आपको पसंद हो आप इस पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ही बार में अच्छी क्वांटिटी में क्रीम लगाकर इसको कवर करूँगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से नहीं कर रही हूँ मैं ये काम, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम ग्लेस बना के ऐड करेंगे। केक को थोड़ा सा फिनिश लुक दूंगी मैं, इसके बाद केक को फाइनल लुक देंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। केक को हम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज या फिर फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में केक के लिए ग्रीन मिरर ग्लेस बना के रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून हॉट बॉइलिंग व्हिपिंग क्रीम ली है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 3/4 कप ग्रेट की हुई वाइट चॉकलेट। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर चॉकलेट चिप ऐड करेंगे। चॉकलेट चिप ना हो तो कोई भी मिल्क चॉकलेट आप इसमें ऐड कर दें 1 टेबलस्पून के बराबर, और जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे। देखें जल्दी जल्दी से मैंने इसको 80% तक तकरीबन मिक्स कर लिया है। ग्लेज में फ्लैग वाला ग्रीन कलर देने के लिए 2 से 3 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर के ऐड करेंगे। इसको वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि वाइट और ब्राउन चॉकलेट हमें इसमें नज़र ना आए और एक सिल्की स्मूथ ग्लेज हमारे पास रेडी हो जाए। इस ग्लेज को अब आपने रूम टेम्परेचर पर आने देना है। गर्म या फिर नीम गर्म ग्लेज को आप केक के ऊपर ऐड करेंगे तो क्रीम जो हमने इसके नीचे लगाई है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इतनी देर में केक भी अच्छे से सेट हो चुका है। केक के नीचे एक कूलिंग रैक रख के इसके नीचे मैंने एक बड़ी प्लेट रख ली है ताकि जब ग्लेज इसके ऊपर ऐड करें तो एक्स्ट्रा ग्लेज नीचे गिर के मैसी ना हो और ग्लेज हमारा वेस्ट ना हो। इस केक को अपने प्यारे फ्लैग की तरह डिज़ाइन करेंगे। आइसक्रीम स्टिक ले लेंगे, हर घर में मौजूद होती है, और इसको केक के एक साइड पर लगाएंगे। जितना भी वाइट पोर्शन आपको केक पर रखना हो, स्टिक बेसिकली इस पर इसीलिए लगाई है कि जब हम ग्लेज इसके ऊपर ऐड करें तो वो फ्लो करके वाइट वाले पार्ट पर ना आए, केक के ऊपर जो फ्लैग का डिज़ाइन बना रहे हैं वो ख़राब ना हो। पूरे ग्लेस को स्पून से केक के बड़े वाले पार्ट पर फैला लेंगे। बहुत एहतियात से काम करना है ये आपने। थोड़ा सा भी स्पून अगर कहीं टच हो गया ना तो आपका केक ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ग्लेस नीचे प्लेट में बचा है ना, इसको आप वेस्ट ना करें। इसको आप वापस डबल बॉयलर में हल्का सा गर्म कर लें, वापस मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट। इस ग्लेस को आप अगेन केक के ऊपर ऐड कर सकते हैं।
ये ग्लेज जो हमने बनाई है वेस्ट नहीं होगी और आपके केक का जो लुक मिरर वाला बनेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। केक के व्हाइट वाले पार्ट पर पैलेट नाइफ से थोड़ी सी क्रीम लगा के इसको फिनिश लुक देंगे, इसीलिए मैंने स्टार्ट पर फिनिशिंग से क्रीम नहीं लगाई थी। और ग्लेज सात वाले हिस्से में ऐड करने की वजह से ग्रीन वाले पार्ट की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो इसको लेवल करने के लिए क्रीम लगा के थोड़ा सा फिनिश लुक देंगे। अब इस केक को तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज या फिर फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे ताकि जो इसकी ग्लेज है ये सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद जो ग्लेज हमने इसके ऊपर ऐड की थी वो सेट हो चुकी है, तो आइसक्रीम स्टिक जो हमने लगाई थी इसमें वो निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाइट वाला जो पार्ट था मुझे कुछ खाली खाली से लगा, तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर सिंपल ऑयल ब्रश ले लिया है मैंने और इससे थोड़ा सा इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ ताकि हमारा केक और भी ब्यूटीफुल लगे। देखिए एक सिंपल से ब्रश से कितना प्यारा डिज़ाइन केक पर क्रिएट हुआ है। आइसक्रीम स्टिक लगाने की वजह से सेंटर में थोड़ा सा गैप है तो इसको भी फिल कर रही हूँ। केक बोर्ड का एक साइड तो ग्लेज से कवर हो चुका है, दूसरे साइड को इस क्रीम से ही कवर करूंगी मैं। केक के सेंटर में मून और स्टार लगाएंगे जैसा कि हमारा फ्लैग है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा केक हमारा रेडी हो रहा है, इसका मिरर इफेक्ट देखें आप। आप भी इस केक को कम खर्च में और थोड़ी सी मेहनत से घर में बना सकते हैं। देखिए सिर्फ दो अंडों और थोड़ी सी चॉकलेट और क्रीम से घर में हमने कितना ज़बरदस्त कस्टमाइज केक बनाया है। ये केक आप बेकरी से लेने जाएं या ऑर्डर पर बनवाएं तो कितना एक्सपेंसिव मिलता है। इस केक को आप 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिएगा। इस इंडिपेंडेंस डे पर आपने केक बाहर से नहीं लेना बल्कि घर में खुद बनाना है। तो चलिए अब इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। केक को काट कर इसके अंदर का लुक भी देखते हैं, कितना अमेजिंग बना है। जो बाहर के केक का कलर है वही अंदर के केक का कलर है। देखिए माशाल्लाह कितना कलरफुल, सॉफ्ट, स्पॉन्जी, मॉइस्ट केक बना है। जब बर्थडे केक के बगैर अधूरी रहती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे प्यारे पाकिस्तान की बर्थडे हो और हम इसको बगैर केक कट किए ही सेलिब्रेट कर लें। इतना ज़बरदस्त सा इंडिपेंडेंस डे के लिए आपको केक बनाना बताऊंगी, सिंपल और आसान सी रेसिपी दूंगी कि हर कोई इस केक को अपने घर में बनाकर 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर सके। बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनता है। तो चलिए आइए स्पेशल इंडिपेंडेंस डे केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल केक बनाने के लिए पहले इसके लिए स्पंज बना लेंगे। स्पंज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 अंडे ले लिए हैं। इसमें चीनी ऐड करेंगे 100 ग्राम्स, जो कि तकरीबन आधे कप के बराबर है। नॉर्मल दानेदार चीनी है ये। अंडों में चीनी ऐड करके इन दोनों चीज़ों को इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से इतनी देर तक बीट करना है जब तक कि अंडों का कलर चेंज ना हो जाए और ये साइज़ में डबल ना हो जाए। देखिए अंडे बीट हो चुके हैं, इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल, जो कि 4 टेबल स्पून है। साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अब मैं इस केक के स्पॉन्ज को ग्रीन कलर में बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए 4 से 5 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर के मैं ऐड कर रही हूँ। फूड कलर ऐड करके एक बार बीटर चला के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 4 से 5 सेकेंड लगेंगे इन सब चीज़ों को मिक्स होने में, इससे ज़्यादा ओवर मिक्स या ओवर बीट आपने नहीं करना है। देखिए सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इलेक्ट्रिक हैंड बीटर का काम ख़त्म हो चुका है, इसका काम बस इतना ही था। अब आ जाते हैं ड्राई इन्ग्रीडियंट्स की मिक्सिंग की तरफ। तो एक स्ट्रेनर ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम्स मैदा, जो कि 1/2 कप + 2 टेबल स्पून है। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, साथ ही इसमें 1 पिंच नमक ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे। मैं इस केक का स्पॉन्ज डार्क ग्रीन फ्लैग के कलर का रखने वाली हूँ, तो इसके लिए कोको पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास कोको पाउडर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ फूड कलर ही इसमें शामिल कर दीजिएगा। जितना ग्रीन कलर का स्पॉन्ज आपने बनाना हो इस हिसाब से आप इसमें कलर ऐड कर लीजिएगा। बट जो डार्क डीप ग्रीन कलर हमारे फ्लैग का है आपने अगर वही सेम रखना है तो इसके लिए आपको कोको पाउडर इसमें 2 टेबल स्पून लाजमी ऐड करना होगा। इन सब चीज़ों को छानकर एक बार हैंड व्हिस्क से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 2 से 3 हिस्सों में अंडों के बैटर में थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करेंगे और सिंपल हैंड व्हिस्क या फिर स्पैचुला से बिल्कुल लाइट सॉफ्ट हैंड से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। हैंड व्हिस्क को बॉटम में ले जाकर बैटर को फोल्ड करते जाना है। ये मिक्सिंग का स्टेप आपने एहतियात से करना है वरना अंडों का जो फोम हमने बनाया है वो बैठ जाएगा और केक आपका स्पॉन्जी नहीं बनेगा। जल्दी जल्दी और स्पीड से आपने इसको मिक्स नहीं करना है। थोड़े थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं लाइट सॉफ्ट हैंड से। जब पहले वाले ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो जाएं, फिर इसमें थोड़े से और ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएं, इसी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लें। देखिए यहाँ पर सारे पाउडर इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। केक के लिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है। केक को बेक करने के लिए आज मैंने यहाँ पर 7 इंच का स्क्वायर केक मोल्ड ले लिया है। आपके पास जो भी 7 इंचेस का केक का मोल्ड हो, एल्युमिनियम पतीली हो, आप उसमें केक को बेक कर सकते हैं। मोल्ड को मैंने यहाँ पर बेकिंग पेपर लगा के लाइन इन कर लिया है। केक के सारे बैटर को मोल्ड में डाल देंगे। देखिए कैसा रिबन जैसा टेक्सचर कंसिस्टेंसी है बैटर की, बस इसी तरह का बैटर होना चाहिए आपका भी। बैटर को मोल्ड में डाल देने के बाद इसको 10 से 12 बार इस तरह से टैप करेंगे ताकि इसमें मौजूद सारे एयर बबल्स निकल जाएं। इस केक को आप विद और विदाउट ओवन दोनों तरह से बेक कर सकते हैं
ओवन या फिर पतीले में बेक करने के लिए ओवन या फिर पतीले को आप पहले प्रीहीट कर लें 10 से 12 मिनट के लिए। इसके बाद इसको ओवन में 180 पर 20-25 मिनट्स के लिए बेक कर लें और पतीले में इसको स्लो मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक बेक कर लें जब तक कि दूध भी क्लियर ना आ जाए। पतीले में लो मीडियम फ्लेम पर 40 मिनट्स लगेंगे केक को बेक होने में। तकरीबन 25 मिनट्स के बाद आप केक के सेंटर में टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लें। अगर इस तरह से टूथपिक क्लियर आ जाए तो इसका मतलब है कि केक परफेक्टली बेक हो चुका है। केक यहाँ पर मेरा परफेक्टली बेक हो चुका है। केक को ऐसे ही 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में इसके लिए क्रीम रेडी कर लेते हैं। इसकी फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिल व्हिप क्रीम ली है। क्रीम अब तो ईजिली हर जगह से मिल जाती है। मेरे पास ये क्रीम ऑलरेडी मीठी है इसलिए चीनी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्रीम को इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से हमने जब तक बीट करना है जब तक कि इसके सॉफ्ट पीक्स ना बन जाए। साथ ही आप में से जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। तो देखें यहाँ पर क्रीम बीट हो चुकी है। अभी इसमें से आधी क्रीम को निकाल कर एक बोल में अलग कर लेंगे। वाइट वाली क्रीम को फ्रीज़र में रख देते हैं जब तक कि हमने इसको यूज़ नहीं करना है। और क्रीम जो आधी निकाल कर अलग की है इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। जितना ग्रीन कलर आपने केक के ऊपर क्रीम का रखना हो उतना कलर इसमें ऐड कर दें और इसको जस्ट अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। केक के लिए क्रीम रेडी हो चुकी है। इसको भी फ्रीज़र में रख देते हैं जब तक कि हमने इसको यूज़ नहीं करना है। अच्छा देखिए यहाँ पर काम को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैंने क्या किया है। मैंने केक चेक करने के लिए कि अगर केक ठंडा हो गया है सेट हो गया है तो इसको मैं रेडी कर लूँ। बट केक चूँकि अभी बहुत गर्म था कम्प्लीटली ठंडा होकर सेट नहीं हुआ था तो मेरी फिंगर के मार्क्स इस पर आ गए हैं। बट इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि केक को लेवल करने के लिए इसका डोम निकाल कर हमने इवन करना होता है। केक को मोल्ड की साइड से लूज करके केक को मोल्ड से निकाल लेंगे, बटर पेपर को हटा लेंगे। केक को दोनों साइड से लेवल करने के बाद मैं केक को 2 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप केक को 2 लेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 लेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह केक कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी अंदर से बेक हुआ है, एकदम जालीदार बिल्कुल परफेक्ट केक बना है। अब एक केक बोर्ड ले लेंगे और इसके सेंटर में थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे ताकि केक इस पर फिक्स रहे, डेकोरेट करते हुए इधर उधर हिले जुले ना। इसके बाद इसके ऊपर केक की एक लेयर रखेंगे। अब केक को मॉइस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी में 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था, इसका शुगर सिरप बना लिया था। इस शुगर सिरप से अच्छी तरह से पूरे केक को सोक करेंगे। ये भी एक टिप है कि जितने अच्छी तरह से आप केक के स्पॉन्ज को सोक करेंगे ये अंदर से इतना ही मॉइस्ट बनेगा। अच्छी तरह से शुगर सिरप केक पर डाल देने के बाद इस पर क्रीम लगाएंगे। तो इसके सेंटर में जितनी ज़्यादा या कम क्रीम आप लगाना चाहें लगा लें। क्रीम लगाने के बाद इसको पैलेट नाइफ से स्मूथ कर लेंगे। पैलेट नाइफ बेसिक सी बेकिंग का एक मेन टूल है जो कि आजकल आपको इजीली हर शॉप से मिल जाता है। क्रीम लगाने के बाद केक के सेंटर में कुछ पाइनएप्पल्स के चंक्स ऐड करेंगे। जो भी आप इसके सेंटर में ऐड करना चाहें, फ्रूट्स, चॉकलेट, चिप्स, नट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके सेंटर में ऐड कर सकते हैं। पाइनएप्पल ऐड करने के बाद थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर भी लगाएंगे ताकि जब इसके ऊपर हम केक की दूसरी लेयर रखें तो वो इसके ऊपर स्टिक हो जाए। इसी दौरान आप सबको मेरे आज की इंडिपेंडेंस डे स्पेशल केक की रेसिपी वीडियो कैसी लग रही है साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केक की दूसरी लेयर रखने के बाद अगेन इसको शुगर सिरप से सोक करेंगे और शुगर सिरप से सोक करने के बाद इस पर क्रीम दोबारा से लगाएंगे। अच्छा तो यहाँ पर केक के ऊपर और साइड्स पर सब जगह पर क्रीम लगाकर इसको क्रम कोट कर लेंगे। क्रम कोट क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी सी क्रीम पैलेट नाइफ पर लेकर इसको केक के ऊपर साइड्स पर सब जगह पर अच्छी तरह से लगा लेते हैं जिससे कि केक में से जो क्रम्स निकल रहे होते हैं वो क्रीम के साथ केक के ऊपर ही लॉक हो जाते हैं। केक को डेकोरेट करते हुए, केक को फाइनल करते हुए केक के क्रम्स फिर तंग नहीं करते। केक को फिनिश लुक देने के लिए पैलेट नाइफ को क्लीन कर लेंगे और साथ में एक कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर ले लेंगे। केक को स्मूथ करते जाएंगे, इसकी एक्स्ट्रा क्रीम निकाल कर बोल में डालते जाएंगे और पैलेट नाइफ को कपड़े या फिर टिश्यू से क्लीन करके इससे केक को अगेन लेवल करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर केक को मैंने क्रम कोट कर लिया है, इसको लेवल करके स्मूथ कर लिया है। अब जो बाकी की बची हुई वाइट क्रीम थी इसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया है और इसमें 2D नोज़ल लगा लिया है क्योंकि अब इस क्रीम से ही मैं फ्लैग बनाऊंगी। इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का कोई भी नोज़ल लगाकर इस केक पर आप डिज़ाइन क्रिएट कर लें। केक पर फ्लैग बनाने के लिए पहले इस पर मार्क कर लेंगे कि हमने इस पर कितना हिस्सा वाइट रखना है और कितना ग्रीन रखना है। चूँकि फ्लैग के 3 हिस्से ग्रीन होते हैं और उसमें से 1 हिस्सा वाइट होता है, इतना ही मार्क करने के बाद इस पर सिंपल स्टार फ्लावर बना लेंगे। सबसे सिंपल को एक ईजी वाला 14 अगस्त के लिए सिंपल सा डिज़ाइन है। अब अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग भी ना हो, नोजल भी ना हो, तो आप सिंपल ग्रीन और वाइट क्रीम लगाकर इसको पैलेट नाइफ से स्मूथ कर लें। इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं।
हमारे फ्लैग का डिज़ाइन इतना सिंपल और इजी है कि इंडिपेंडेंस डे के लिए केक बनाना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। और जो केक मैंने आज आपको बनाना बताया वो तो बहुत ही इजी है। अब जिस नोज़ल से मैंने इस पर वाइट क्रीम से डिज़ाइन बनाया था वही सेम नोज़ल मैंने दूसरे पाइपिंग बैग में डाल लिया है, और जो इसमें ग्रीन क्रीम की फ्रॉस्टिंग बना के रेडी की थी वो ऐड कर ली है। केक का एक हिस्सा वाइट रखकर पूरे केक को ग्रीन क्रीम से कवर कर लेंगे। वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच कर लिया है और वीडियो को लाइक या फिर चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलें। देखिए यहाँ पर पूरे केक पर मैंने क्रीम से डिज़ाइन बना लिया है। इस पर डेकोरेशन के लिए सिल्वर पर्ल्स मैं इस पर ऐड करने लगी थी, तभी मैंने देखा कि अरे मैंने फ्लैग का चांद सितारा तो इस पर लगाया ही नहीं, तो यहाँ पर चांद सितारा जो कि हमारे फ्लैग में होता है वो मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ। चांद सितारे का आप स्टिकर लगा लें या फोंडेंट का बना लें या क्रीम से ही बना लें। चांद सितारा लगाने के बाद केक के ग्रीन वाले हिस्से में सिल्वर पर्ल्स भी मैं कहीं कहीं ऐड कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल कलरफुल स्पेशल इंडिपेंडेंस केक बन चुका है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, और लग ही नहीं रहा बल्कि टेस्ट में भी बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी सॉफ्ट मॉइस्ट बनता है। तो चलिए अब सेलिब्रेट कर लेते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे को। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को इस फ्लैग की तरह हमेशा सरसब शादाब कायम और दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस केक को आप 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में खूब चिल करके सेट करके इसको कट कीजिएगा। खूब चिल करके जब आप इसको खाएंगे सर्व करेंगे तो आपको मज़ा आ जाने वाला है, यानी आपकी इतनी सारी मेहनत वसूल हो जाने वाली है और तारीफें भी आपको बेशुमार मिलेंगी। आप भी अपने घर में मेरी रेसिपी से इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशल केक बनाकर जरूर सेलिब्रेट कीजिएगा। मेरी आज की स्पेशल वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगेबान। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम डीएग्राफी।